आप वास्तव पिक्चर का भेल ले लें जिसमें कुरमुरा है और उसमें फार्मर्स के करंट अफेयर्स को कठोर करंट अफेयर के शेव को भुरभुरा दे और दबंग मूवी के सोनाक्षी सिन्हा के खट्टे मिट्टे रोमांस की चटनी मिक्स कर दे तो एक भेल बनेगी, वही भेल है अंतिम मूवी। जी हाँ, स्टोरी फार्मिंग फार्मर्स पे बेस्ड थी तो उसे और उन्हें थोड़ा डेवलप करना चाहिए था तो ये मूवी थोड़ी और अपीलिंग होती। अदरवाइज देयर इज नथिंग इन द मूवी, इट्स जस्ट अ भेल ऑफ वास्तव। महिमा मकवाना एक्टेड प्रीटी वेल, जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत उन्हें सीन्स दिए गए हैं शी एक्टेड वेरी वेल, शी इज़ गुड, शी इज़ नाइस। हाँ, हालांकि एक फोर्स फिटेड सॉन्ग है जो ज़रूरत नहीं थी पूरे मूवी में, बट तभी भी डाल दिया है कि भाई दिखाना है कि मेन लीड है और एक्टर को आयुष को दिखाना है, महिमा को दिखाना है कि इन दोनों ही लीड है मूवी के, तो इट्स अ गुड एक्ट्रेस। आई मीन शी लुक्स एफर्टलेस। ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी टेलीविजन शोज़ में भी काम किया है तो शी इज़ प्रीटी गुड, शी एस्ड हर रोल वेरी वेल। आयुष शर्मा का पूरे मूवी में एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, हंसी हो, खुशी हो, दुख हो, गम हो, रोमांस हो, फाइट हो, उसमें भी सेम एक्सप्रेशन है। सलमान खान तो पता नहीं क्या हो गया था स्टार्टिंग के फ्यू सीन्स में, तो उन्होंने इतनी लो एनर्जी पे काम किया है ऐसे लग रहा है उन्हें कब्ज हुआ है। द वे ही इज़ वॉकिंग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है सांस अंदर दबा के चल रहे हैं। आई डोंट नो, ये उनका एफर्ट्स था, बताने का तरीका था कि अब बस हो गया, अब मैं तेरे पे और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, एक्टिंग सीख ले वरना ये अंतिम ही मूवी होगी। जो भी जीजा जी बोलेंगे मैं करूंगा, मैं करूंगा। हाँ समझ गए सर, समझ गए सर ने बोल दिया ना, बात खत्म, नो डिस्कशन। वन ऑफ द सीन व्हेन आई सॉ सलमान सर एक्टिंग, स्पेशली जब वो एक लुक दिया है वो देख के, तो भाई प्रोमो में देखा तो इतना डर गई थी, थैंक गॉड मूवी में उनका पूरा वो लुक नहीं है। You won't believe, he is resembling so much like, you know, one of the self-proclaimed actor. You won't believe, right? आप चेक करें। देखा है ना, थैंक गॉड पूरे मूवी में ये लुक नहीं है। टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड, यस, आयुष शर्मा हैज गिवन हिज efforts, it is very much evident in terms of his body building and all, character of tough guy, but in terms of acting it has not come out that evidently, so I think unhe aur 4-5 movies karke hi shayad samajh mein aaye, expression mein unko thoda aur work karna padega, performance okay hai, I mean I don't know ye acting hai ki sorry kya hi kahun main। बाकी सलमान सर को देख के तो यही लग रहा है उनकी अंतिम एफर्ट्स थी। बैक मारो इसलिए मारो कि लोग पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं, इसलिए बैक स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच भाई, सुपर्ब एडवाइस। बिल्कुल सही कहा आपने सलमान खान, बिल्कुल सही एडवाइस दी है, बिल्कुल सही एडवाइस है। बाकी आप लोग को मूवी देखने अपनी जिम्मेदारी पे देख लीजिए, इतना कुछ है नहीं देखने लायक। हाँ, इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था, दिस इज़ नॉट सलमान खान्स मूवी फॉर श्योर। एक दो सीन डालने से सलमान खान मूवी नहीं होते, बट ठीक है जो भी सीन्स डाले चलेंगे, फैंस को तो चलेंगे।